मुगल आर्ट मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो कोर्ट आर्टिस्ट हुआ करते थे, और कोर्ट आर्टिस्ट होने की वजह से वो मेरे खून में ब्लड में आया। पिछले 700 सालों से मेरे परिवार में ये कला चली आ रही है। सांगानेरी प्रिंट जो हमारा ट्रेडिशनल हाथ ठप्पा छपाई का कार्य है, ये हम लोग 5 जनरेशन से ये कार्य कर रहे हैं। दादा परदादा परदादा ये हमारा काम, यही काम है हमारा। '84 में हम दीदी से रोशन कला पेशी से मिले और कमला देवी चट्टोपाध्याय से मिले, दोनों से मिले, दिल्ली में मिले हम। उन्होंने कहा मोती तुम मन से पेंटिंग करो और तुम हमारा हम संस्था बना ले उसमें तुम आ जाओ। आई केम हियर विथ माई फादर इन 1982। दैट टाइम ओनली दैट 7 पीपल वर देयर हु आर द क्राफ्ट पीपल, माई फादर गुरप चेट्टी एंड जयदेव बघेल एंड सत्यनारायण लालकरन, विद देम ओनली शी स्टार्टेड वन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जब यह स्थापना नहीं हुआ था तभी से मेरा इसमें जुड़ा हुआ है, और ख़ास करके रोशन कला पेशी जी ने सिरामिक आर्ट के लिए बहुत उन्होंने हमें कदर से मोड़ा। मेरी मुलाकात रोशन कला पेशी उनसे हुई कि उनका ख्याल था कि मैं इस कला को जीवित रखना चाहती हूँ और कलाकारों को आगे लेना चाहती हूँ, उनको प्रमोट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कलाएँ जो है ना हमारे देश की संस्कृति हैं। मैंने अपना काम उनको दिखाया, वो मेरे काम से काफ़ी प्रभावित हुई और उन्होंने मुझे पारंपरिक का एक सदस्य बना लिया। कॉन्टैक्ट करते करते फिर पारंपरिक कारीगर के रोशन कला पेशी से परिचित हुआ, उन्होंने मुझे एक दो मौका दिया, तो उन्होंने मुझे एक शब्द बोला था कि आप थोड़े बड़े स्केल में बड़े स्तर पर कहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े स्केल में होता ही नहीं था। मैं तकरीबन 12 सालों से इस एग्जीबिशन में आ रहा हूँ पारंपरिक कारीगर में। सौभाग्य की बात है कि पारंपरिक कारीगर के जो भी जितने भी मेंबर हैं वो सब लोगों से घर जैसा एक प्रेम मिला है। रोशन अम्मा जो थी उनके पास एक बहुत ही बेहतरीन आई थी, एक मतलब विज़न था। वो हर कलाकार और कला को बहुत जल्दी से पहचान जाती थी। माता की पछेड़ी का मतलब यानी कि जो मंदिर आगे होता है, मूर्ति आगे होता है, उसके पीछे लगाया जाता है। नवरात्रि महीना जो चैत्री महीना आता है तब वो माता की पूजा करते हैं, और जो किसी ने मन्नत पूरी हो जाती है तो माता की पछड़ी चढ़ाते हैं मंदिर। पटचित्र अच्छा चीज़ है, बहुत दिन का पुराना, 2000 साल से पुराना चीज़ है ये। हाँ, जब तक तो गांव में टीवी नहीं था, सिनेमा हॉल नहीं था, उस दिन से मैथिली का शादी है स्टोरी और ये मैथिली का छोटे छोटा मैथिली का शादी हो रहे हैं। कोई मछली बोलते हैं आपको ढोली लेके जाए, कोई मछली बोलते हैं आपको बांसुरी बजाएगा, झींगा मछली बोलते हैं आपको मिठाई का हांडी लेके जाएगा, ये बड़ा दाया एक खाना खा रहे हैं। तुम्हारी बीरी पालखी नोए जाए ओना माछेरी बी। ये लैंप शेड बनाता है मैडम, वॉल क्लॉक, वॉल हैंगिंग, फ्लोट लैंप, ऐसा बनाता है। हम तो इतना साल से आता है, पारंपरिक में आता है, बहुत फायदा तो सही है, सारा लोग का भी अच्छा होता है। मैडम जो फिगर्स हमारे फड़ के 6 इंच के 7 इंच के होते हैं उन्हें जस्ट मैं सेंटीमीटर्स में बनाता हूँ। ये एक थंब नेल्स के बराबर एक एक फिगर बना रहा हूँ, यानी एक एक इंच सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर के फिगर्स। पारंपरिक का योगदान बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जो अच्छे कारीगर और जो हाथ के बनाने वाले जो कारीगर हैं उनको ये जाँच परख कर लेके आते हैं ये लोग। सुबह 4 बजे उठ के सोने की हिलकारी बनाते हैं, पसीना वगैरह नहीं होना चाहिए और बिल्कुल नमक का पानी नहीं होना चाहिए, साफ सुथ क्लाइमेट होना चाहिए। आज इसका जो स्टैंडर्ड है पारंपरिक कारीगर का वो इतना है कि दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे लोग इसको जानने लगे हैं, सब मास्टर क्राफ्टमैन आते हैं। तो ऐसे लोग भी आज इस संस्था से आगे बढ़ते बढ़ते बड़े बड़े सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं, तो ये एक अच्छा प्रयास है इनका। हमारे हस्बैंड का नाम सत्यनारायण लालकरन था, हम दोनों मिल के पेंटिंग बनाते हैं, एक तरफ से वो बनाते हैं, एक तरफ से हम बनाते हैं, और दोनों एक मिल जाते हैं।
आम्हाला याच्याविषयी आकर्षण म्हणजे असं की हे बनवताना जी काही क्रिएशन तयार होतं ते प्रत्येक वेळेस अनएक्सपेक्टेडली खूपच छान तयार होत राहतं आणि आपल्यालाही समजत नाही की त्याच्यातून काय निर्माण होणार आहे आणि जेव्हा त्याचं फायनल प्रॉडक्ट आपल्या हाती येतं त्यावेळेस अवर्णनीय आनंद होत असतो. ये सेरामिक में काफ़ी कलरफुल जैसे ब्लू ग्लेज है, सोडा फायरिंग है, कॉपर रेड है, क्रिस्टलाइन ग्लेज है. काफ़ी मैंने डेवलप किया है. ये डेवलप करने के कम से कम मुझे 20 साल लगा है. बड़े हिम्मत करके जो पीस बनाया बॉम्बे में लाया, फिर मैं देखा कि लोग काफ़ी तारीफ किए और सेल भी हुआ, तब से मेरा हौसला बढ़ा. अभी हम लोगों ने इसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं, जैसे डिज़ाइनिंग, कलरिंग और कुछ कंटेम्प्रेरी से ट्रेडिशनल से कंटेम्प्रेरी पे आ गए हम लोग. इन ओल्डन डेज इन 15th सेंचुरी वी यूज्ड टू यूज द ट्रेडिशनल स्टोरीज ओनली. सो वंस द डच पीपल केम टू इन इंडिया, सो दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड टू डू द चेंज लाइक दैट. इट्स फ्लोरल डिजाइंस अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट. कोई भी वेस्ट पेपर से इस तरह का सामान बनता है. दिन में जितना भी सामान है मैम सब सेल हो जाएगा और सब कलाकार बहुत प्रसन्न होते हैं इसमें. लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि रोशन अम्मा जो थी और उनका ये ख्याल था कि मैं बॉम्बे में ऐसे ऐसे लोगों से उन कलाकारों को मिलवाऊं, उनका काम डायरेक्टली उनको बिकवाऊं और कलाकारों को या उनके लिए जो भी हो सकता है सहयोग वो करवाऊं, तो उन्होंने काफ़ी उसके लिए प्रयास किए. पारंपरिक कारीगर से मुझे अपनी एक पहचान मिली है. इस बम्बई में मुझे अपने नाम से लोग जानने लगे हैं. 2015-2016 तो इधर होता है, चेन्नई में भी किया था, उधर भी गया था. हमारा सेल अच्छा है. बिजनेस टैक्टिक्स शिकवलेला आहे. बिजनेस मध्ये कसं पुढे जायचं, प्रेझेंटेशन कसं करायचं, लोकांशी कसं बोलायचं, हे सर्व बारकावे त्यांनी आम्हाला वेळोवेळी सांगत गेले. मुंबईमध्ये जे वेचाण थाय छे मुंबईमध्ये डायरेक्ट कस्टमर मळे छे. अमारा जुना कस्टमर्स भी छे अने अमुक नवा कस्टमर्स अमने आ पारंपरिक संस्था जोड़े जोड़ाया बाद मळ्या छे. पारंपरिक के बहुत साथ आप्यो, साथ सहकार आप्यो अमारा कला विषे. पछी ए लोको वर्कशॉप करवा लाग्या के कोई माणस एम के अने शू छे आ मशीन नो छे के शू छे एटलू मांगू केम छे. સમાજમાં પણ મર્યાદામાં રહેવું પડતું હતું, શરમ આવતી હતી. પછી એ બોલો કે નહીં એવું નહીં રાખવાનું, ખુદદાર થવાનું. There are many people are there who are not involving in this પારંપરિક. We have to add them and we have to develop the tradition. અને આ સંસ્થાનું કામ કેવું છે કે કારીગરોને પ્રોત્સાહન મળે છે. પારંપરિક एक पूरा फैमिली की तरह ही है. इसमें जितने भी कारीगर जो भी जुड़े हुए हैं वो सब भाई की तरह हैं. सबके साथ मिलना, एक साथ जब हम लोग मिलते हैं जैसे कुंभ की तरह से होता है. पारंपरिक में बहुत ज़्यादा हम लोगों को सामान भी दिखता है और बहुत सम्मान भी मिलता है. बहु मेहनत करे छे हमारा माने एमना हूं खूब खूब आभारी छु. पारंपरिक से हमें तो बहुत कुछ मिला है, मैं इसका बयान नहीं कर पाती. भिक्षा दीते सीता देवी গন্ডির বাইর হলো সীতার হাতে ধরে রাবণ রথে তুলে নিল উড়িতে উড়িতে রথ করিল গমন বট বৃক্ষ তোলা হতে বেড়াল রাবণ ডেনা কেটে ভূমিস্তে ওই পড়িয়া রহিল.